सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ, चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन, मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी, कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना, जरा बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है, तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है, और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जींस टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन नौकर चाकर कार सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही है ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन कार पैसा, हाँ हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है, मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ, बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है।
बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ एक सब्जी बनाओ फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम की 6 बजे हैं। इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है, वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी खाना। इतना सारा खाना, राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से, जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ जब मेरी सास मरेगी तब, मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल जा रही हूँ माँ। हे भगवान कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार आज माँ को क्या हो गया अचानक, पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है, मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी, आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है, क्या हुआ जो थोड़ी शक्ति दिखा रही है, उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे जो सिर्फ माँ की तरह है, सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटी की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया, जिम नहीं जाना क्या?